दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एशियन एबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों खास तौर से है कि जैसे कि अभी पिछला वीडियो मैंने बनाया था और वो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज था लोगों को समझाना। अभी इसके बाद में दोस्तों अभी जो दूसरा वीडियो ये वाला है, ये है खास तौर से। देखिए, हमारे यहां जितने भी लोगों का चयन हुआ था उन लोगों को मान के चलिए कि उन लोगों का पैसा जो है जिस भी योजना के अंतर्गत उनका सिलेक्शन हुआ था उनको उन योजनाओं में बहुत ही जल्द पेमेंट आने वाला है। अभी दोस्तों आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं आप लोगों को, क्योंकि ये जो पेमेंट है ये कहीं कहीं आना शुरू हो चुका है, लोकेट हो रहा है। अभी जब सिस्टम पे, विभागीय सिस्टम पे अगर आप देखेंगे अपने योजना के बजट के बारे में, तो वो कहीं कहीं दर्शा रहा है कि हाँ इस जिले को इतना पैसा दिया जाना है, इस जिले को इतना पैसा दिया जाना है, इस जिले से इतनी संख्या में लोगों का चयन हुआ है, इस जिले से इतने संख्या में लोगों का चयन हुआ है। तो वो पैसा दोस्तों आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही जल्द आने वाला है। कल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल का दिन मेरे लिए खास था, क्योंकि कल मुझे कई अवार्ड मिले हैं दोस्तों, जिसमें एक तो जो हमारे मंत्री जी हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, वो उन्होंने हमें मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो अच्छे काम करते हैं, जो अपने जिले में अच्छे से वर्क करते हैं फिश फार्मिंग के ऊपर, उनको दिया जाता है। प्लस जो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, चाहे वो मछली पालन हो, बकरी पालन हो, भेड़ पालन हो या पोल्ट्री बिजनेस हो, जिस भी बिजनेस में आप अच्छा काम करते हो तो उसमें आप लोगों को सम्मानित किया जाता है। और जिले में दोस्तों नाम ना किसी का भी नाम तभी आता है जब बंदे का काम बोलता है ना भाई। देखो, ऐसे तो अभी मैं बोलूं कि मुझे ये मिला मुझे भी मिला, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको ना जो भी सम्मान जो भी चीजें मिल रही हैं वो दर्शाई जानी चाहिए। मुझे ना, मैं आपको बता दूं कि अभी एक सर्टिफिकेट वहां लगा हुआ है मेरा, और मैं बहुत ही जल्द इसको पूरा ना, इस दीवार को मैं, जितने भी मुझे मेडल्स मिलते हैं, जितने भी मुझे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, चाहे वो पोल्ट्री से रिलेटेड हो या मोटिवेशन से रिलेटेड हो, दोस्तों मैं ना, मुझे कई जगह कई ऑफिसों में, जैसे कि जब कुछ भी होता है तो किसानों को मोटिवेट करने के लिए मुझे बुलाया जाता है, उसमें भी मुझे अक्सर करके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उसमें भी सम्मानित किया जाता हूं। क्योंकि दोस्तों देखिए, आज के दौर में ना लोगों को सही मार्गदर्शन कराना बहुत जरूरी है। सही मार्गदर्शन जब तक आपका नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप लोग सही से बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि गांव में ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। कोई बंदा अगर किसी भी काम को शुरू करने जाता है, मान लीजिए वो कोई भी काम हो, चाहे आप एक छोटी सी टपरी खोलना चाह रहे हो, या आप गोट फार्मिंग करना चाह रहे हो, या फिश फार्मिंग करना चाह रहे हो, या आप ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाह रहे हो, या आप कोई दुकान खोल रहे हो, या आप कोई कॉमर्स, कोई भी मतलब बिजनेस पर्पस से अगर कहीं भी आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बढ़ाने के बजाय आपको और कहेंगे, अरे भाई ये क्या करने जा रहा है यार, तू बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चीजें ना बहुत मायने रखती हैं। अगर आपके साथ में ये, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास निगेटिव पक्ष के काफी सारे फ्रेंड्स हैं, तो आप उस काम को हरगिज नहीं कर पाओगे। जब तक आपको पॉजिटिव लोगों से नहीं मिलोगे, आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हो, मैं कोई किसी पार्टिकुलर एक बिजनेस की बात नहीं करूंगा,
मैं ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, उस बिजनेस की ना जड़ तक जाना है पहले आपको। जैसे अभी मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में ना गोलगप्पे बनते हैं, गोलगप्पे वो पानी पूरी वाला नहीं, दूसरा होता है। तो गोलगप्पे के बिजनेस में ना पहले आपको ये पता करना होगा कि भाई मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो वो ऐसे होता है कि उसको लेके आते हैं बाहर से, बना बनाया होता है, या कुछ लोग उसको रेडी करते हैं, तो उसको तला जाता है, तलने के बाद में फिर पैकेट बनाई जाती है, पैकेट बना के फिर आपको दुकानों पे सेल किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब अगर आप निगेटिव लोगों से मिलेंगे ना तो वो क्या कहेंगे कि अरे भैया 500 लोग घूम रहे हैं, 500 लोग घूम रहे हैं, और देखता हूं, जब देखता हूं उनकी थैली भरी ही रहती है, कब खाली करते हैं भगवान जाने। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जितने भी लोग हैं वो लोग ना हर दिन अगर बेचेंगे नहीं तो आप खुद ही सोचिए कि वो बंदा इस फील्ड में पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से है, उसने अच्छी अर्निंग की है, उसने अच्छे से अपनी गाड़ी ली है, वो पुरानी साइकिल से काम शुरू किया था, आज के डेट में उसके पास अच्छा खासा बाइक है, हीरो कंपनी की अच्छी खासी बाइक लेके उसके ऊपर वो बना करके और वो सेल कर रहा है। तो ये कैसे संभव है दोस्तों? ये इसका मतलब साफ है कि वो बंदा इस बिजनेस से इतने पैसे कमा रहा है कि उसको अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उस बिजनेस से उसको इतना पैसा मिल रहा है जिससे उसका परिवार ठीक से चल पा रहा है, उसकी बचत हो रही है। अगर बचत नहीं होती, भले ही वो EMI पे गाड़ी ले रहा हो, लेकिन डाउन पेमेंट तो करना पड़ा होगा, डाउन पेमेंट के लिए पैसे चाहिए, वो कहां से आए? इसके बाद में उसने उसको EMI देना है, बच्चे की फीस देना है, अब वो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है तो पैसे आ कहां से रहे? उसी बिजनेस से आ रहे हैं ना। तो ये चीजें होती है मेरे भाई। मैं आप लोगों को बहुत ऐसे उदाहरण दूंगा जिसमें लोग ना इतने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। अभी मैं बताऊं आपको, मैंने ना, मैं अभी जब RES सिस्टम बनाना शुरू किया तो उसमें ना कुछ लोग आए, अरे यार इतना ईटा खपटा सीमेंट बालू मोरंग गिट्टी लगा रहे हो, इससे पैसा भी निकलेगा? हमने कहा भाई रुको, जिस तरह से आज के 8-9 साल पहले मैंने काम शुरू किया था छोटा सा पोल्ट्री का, तो आप लोग वही बंदे थे जो उस टाइम भी ये कहते थे कि यार अब तो ये गया, तो वही लोग इससे भी, जब मैं 3 महीने में 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मेरी बचत आएगी तब लोगों को लगेगा हाँ यार ये बंदा सक्सेस है। तो ये चीजें होती है मेरे भाई। आप ना अपने लिए काम करते हो लेकिन थोड़ा समय निकाल के दूसरों के लिए भी काम करो। आप दूसरों के लिए काम करोगे, आप लोगों के नजर में रहोगे, आपका विभाग जिस भी विभाग में आप जाओगे ना, जैसे मान लीजिए अभी मेरी बात ले लीजिए, मैं अपने लिए ही नहीं करता हूं, मैं मेरे दोस्त हैं, मेरे गांव के लोग हैं, मेरे करीब करीब जिलों के लोग हैं, उन लोगों के पास मैं अक्सर जाता रहता हूं, उनकी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो उसको भी हल करवाता हूं। लोग कोई भी अधिकारी आता है उनसे मिलता है तो वो लोग कहते हैं हाँ यार अजय भाई है जो आते रहते हैं, हम लोगों को बताते रहते हैं हमारे हमारे मुर्गे में क्या डिजीज है, बकरी में क्या डिजीज है, उसके ऊपर वो लोग वो बताते रहते हैं हमको, टाइमली सारी चीजें पता रहती है सर उनकी वजह से। तो मेरे पास ना, मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, मैं कभी किसी अधिकारी से मिलने नहीं जाता हूं, वो खुद बुलाते हैं मुझे, बुलाते हैं या खुद वो चल के मेरे यहां आते हैं कि भाई चलो अजय भाई से मिलते हैं एक बार। तो क्यों मिलने आते हैं? क्योंकि मैं दूसरों के लिए काम करता हूं, मैं दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करता हूं। और भाई मेरा काम आप लोगों को रास्ता दिखाना है, ठीक है। अभी कल मुझे ना एक अवार्ड मिला है जिसमें जिले के टॉप फार्मर्स में मैं 1st नंबर पे आया था। दूसरा एक मछली का जो अवार्ड है उसमें भी मेरा, मैं चयनित हुआ, उसमें भी मेरा नाम आया।
इस तरह से यार कुछ अच्छा करो यार भाई, कुछ अच्छा करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने लिए काम किए तो क्या किए यार, कुछ दूसरों के लिए भी करो। देखो युवाओं को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप ना जितना टाइम अपने फालतू कामों में गंवाते हो उतने टाइम का कुछ परसेंट सिर्फ दोस्तों आप लोग वर्क पे अपने जो गोल है उस पे काम कर लोगे ना, दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग ना बहुत अच्छे से एक दिन बहुत नाम कमाओगे, आपको लोग जानेंगे, आपको लोग पहचानेंगे, आपके नाम से हर जगह पे आपका नाम होगा, आपका काम होगा। तो इस तरह से बनो यार, और ये फालतू का टाइम मत गवाओ। एक दिन आप लोगों के सामने भी ऐसा आएगा जब ना पूरा दीवार मेडल से कस जाएगा। मैं बहुत ही जल्द इसको पूरा बनवाने वाला हूं, इस पे फिर मेरे सारे मेडल्स मैं यहां लगाऊंगा ताकि लोगों को दिखा सकूं ये जो मिला है ये किसके लिए मिला है, ये जो मिला है ये किसके लिए मिला है। दोस्तों काम करो, नाम करो, और नाम के साथ में पैसे कमाओ, ये होता है फंडा लाइफ का। और इस तरह से अगर आपकी लाइफ चलेगी ना, सेटल हो जाओगे, जो चाहोगे वो करोगे। अगर आपने मन बना लिया कि मुझे इस मुकाम को हासिल करना है ना, तो उस मुकाम पे इतना फोकस करो, इतना फोकस करो कि उसके सिवाय तुम्हें कुछ दिखना नहीं चाहिए। उसमें क्या चीज चाहिए, उसकी क्या कमियां है, उसमें कौन सा मटेरियल चाहिए, वो कैसे मैं इसको ग्रो करूंगा, किन लोगों से मुझे मिलना है, ये सारी चीजें अगर आपने सीख ली, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, उस बिजनेस में आप सफल हो जाओगे। ये मेरा वीडियो दोस्तों सारे अपने दोस्तों में भेजिएगा, और उन युवाओं को जरूर भेजिएगा जिनकी उम्र अभी 18 से लेके 25 से 30 के बीच में है, उनको जरूर भेजना। हो सकता है कि मेरे एक वीडियो से उन लोगों को रास्ता मिल जाए। मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है 84002375 12, 84002375 12। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ करके या मुझे पर्सनली कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हो कि किसी भी बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, किसी भी बिजनेस को कैसे शुरू करना है, इसके बारे में आप लोग बात कर सकते हो। बट दोस्तों इसका एक क्राइटेरिया है, शाम को आप 6 बजे के बाद में 6 से 8 के बीच में ही कॉल करिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो बेवजह मुझे दिन में कॉल करते हैं, और उनका फोन जब अटेंड नहीं कर पाता हूं तो उनको लगता है कि यार ये बंदा तो काम का आदमी नहीं है। ऐसा नहीं है यार, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, तो उसको मैं देख के चलना पड़ता है मुझे, तो आप मुझे उस टाइम पे कॉल करिए और मैं आप लोगों की सहायता जरूर करूंगा। धन्यवाद।